नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले आज हम कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण में अध्याय 16 चल रहा है अपने, इसके अंदर पिछली बार हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ा था। बच्चों आपको तो पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने हमारे देश में जो संविधान आने वाला है कुछ ही दिनों में 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, और वो संविधान बनाने में जो समिति थी बनी हुई थी उसके डॉक्टर भीमराव जी अध्यक्ष थे, और उन्होंने एक भारत को नया संविधान बना के 1950 में हमारे देश को सौंपा था। आज वो भी वही संविधान हमारे देश में चल रहा है और उसको हम पूरा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उससे आगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। आपने नाम तो सुना ही होगा, शिक्षक दिवस मनाया जाता है या राष्ट्र के शिक्षक उनको उपाधि दी गई या राष्ट्र का शिक्षक कहें तो उनके बारे में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी जिनके बारे में एनी विषय, जो एक अंग्रेज अधिकारी थी जिसने इनके बारे में भावपूर्ण शब्दों में कहा कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों में भारत के अंदर जिस समय हमारा देश आजाद हुआ ही था उस समय अलग अलग पंथ के अलग अलग मतों के लोग रहते थे, उस मतों उस दौर में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का, भारत के पूरे भारत के अंदर अलग अलग रियासतें थी तो उन रियासतों को पूरा एकीकरण करने में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बहुत ही अपना योगदान दिया, और भारत को उनको एनी विशेष अधिकारी ने भारतीय एकता की मूर्ति कहने में उनको खड़ा कर उन्होंने भारतीय एकता को मूर्त रूप दिया था। वे थे पंडित मदन मोहन मालवीय, ये जन्मजात जन्म से कवि थे, कविताएं रचते हैं, आपको तो बच्चों पता ही होगा जो काव्य हो कविताएं और लिखते हैं या सुनाते हैं वो कवि कहलाते हैं, तो ये जन्मजात कवि थे। उनका जन्म का कवि का नाम पंडित मदन मोहन मालवीय जी का काव्य नाम यानी कवि के रूप में उन्हें मकरंद के रूप में उनको पहचान मिली थी, उनका कवि नाम मकरंद था। उनके मन में एक ज्वाला रहती थी, मदन मोहन मालवीय जी के मन में एक हमेशा विचार रहते थे उनके मन में कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति भारत के अंदर ऐसा शिक्षण संस्थान बनाया जाए कि भारत में स्थापित हो, भारतीय संस्कृति को, हिंदू संस्कृति, अपने भारत की संस्कृति कौन सी है बच्चों, हिंदू संस्कृति को। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का मानना था कि वो एक ऐसा संस्थान बनाए भारत के अंदर जिससे हमारी हिंदू संस्कृति को उचित सम्मान मिल सके, हमारी संस्कृति को नई पहचान मिल सके। इसके लिए उन्होंने बच्चों इस उद्देश्य की पूर्ति की उन्होंने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में अपनी योजना सरकार के समक्ष रखी। उन्होंने बताया भारत सरकार को, देश आजाद हुआ ही था उस समय कांग्रेस के राज चलता था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री मंत्री बने हुए थे, उस संसद सभा में उन्होंने अपनी योजना बनाई, दोनों संसद में बताई कि हमें भारत के अंदर में एक ऐसा संस्थान या विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहता हूँ जिससे हमारी हिंदू संस्कृति, हिंदुओं के बारे में हिंदू धर्म को पहचान मिले। इसके लिए उन्होंने अपनी योजना भारत सरकार को बताई, और मकर संक्रांति के पावन दिन पर, अभी बच्चों मकर संक्रांति आने वाली है आपको पता ही है, तो मकर संक्रांति के दिन उन्होंने बनारस के राजा से विश्वविद्यालय बनाने के लिए उन्होंने भूमि की मांग की, और महाराजा ने, बनारस के महाराजा ने तत्कालीन उस समय जो बनारस के महाराजा थे उन्होंने विश्व हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए भूमि दान में दी, और जहां पर आज अपना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना हुआ है वो भूमि बनारस के राजा से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दान में ली थी। वे जहां भी जाते अपनी राष्ट्रीय शिक्षा के लिए योजना लोगों के सामने रखते और उनको अपार धनराशि मिली। अब उस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए बच्चों पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो जहां भी जाते पूरे देश में बनारस में यूपी महाराष्ट्र जहां भी गए उन्होंने
तो हिंदू विश्वविद्यालय के उन्होंने अपनी योजना बताई कि मैं भाई बनारस में एक ऐसा भारत में एक ऐसे संस्थान स्थापित करना चाहता हूँ जिसे हमारी हिंदू संस्कृति का प्रचार हो प्रसार हो और हिंदू संस्कृति को एक उचित सम्मान मिले। इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय की भूमि तो दान में ले ली, उसके लिए धन इकट्ठा करना शुरू किया। तो वो जहां भी जाते उन्हें अपार धनराशि मिली और सबसे ज्यादा योगदान तो उन्होंने जिस समय वो हैदराबाद गए थे तो हैदराबाद का शासक उस समय बच्चों मुस्लिम था, तो मुस्लिम ने निजामुद्दीन तो उसने भी उसके सामने भी पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपनी बात रखी कि वो भारत में एक हिंदू विश्वविद्यालय बनाना चाहता है। उसके लिए भी हैदराबाद के निजाम ने उनको सहायता दी, जो भी हुआ अपने अपनी ओर से उन्होंने धन दिया और भारत ये विश्वविद्यालय बनाने में हैदराबाद के मुस्लिम शासक निजाम ने भी अपना योगदान दिया था। वह वहां से भी उदारतापूर्वक धन प्राप्त करके आगे सारे देश का दौरा करके बच्चों उन्होंने विश्वविद्यालय किए 64 लाख रुपए इकट्ठे किए और उस विश्वविद्यालय का निर्माण यानी बिल्डिंग का निर्माण करवाया वो जो आज बनारस में वो जो बना हुआ है। इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय जी के लिए कहा था कि मांगने की कला तो कोई पंडित मदन मोहन मालवीय जी से सीखे। इन्होंने उच्च कोटि के देश पर और संस्कृति में निष्ठा रखने वाले थे, वास्तव में क्रांतिकारी नेता सिद्ध हुए। उन्होंने शिक्षा के प्रति क्रांति की अलग जगह अपने भारत में बच्चों को कोई भी मैंने कहा ना हमारे गौरव पाठ है तो इसके अंदर क्षेत्र कोई भी हो सकता है, विज्ञान का क्षेत्र किसी भी तरह। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हमारे देश में शिक्षा हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए विश्वविद्यालय की मांग की और उन्होंने एक विश्वविद्यालय बनाया। तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उनको एक क्रांतिकारी नेता के रूप में कहा गया। उन्होंने भारत की आत्मा को जगा दिया। उनका विचार था जब तक शिक्षा में राष्ट्रीयता का समावेश यानी हमारी शिक्षा में राष्ट्रभक्ति देशभक्ति का समावेश नहीं होगा हम गुलाम ही रहेंगे। हमारी शिक्षा के अंदर जब तक हमारे देश के प्रति प्यार स्वदेशी की भावना राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं होगी तब तक हम अपने दिमाग से दिल से गुलाम ही रहेंगे। उनका मानना था कि हमारी राष्ट्रीय भारत की राष्ट्रीय शिक्षा है इसके अंदर देशभक्ति की भावना हो देशभक्ति से ओतप्रोत शिक्षा हो तो उन्होंने माना कि वो शिक्षा हमारे लिए अच्छी होगी। यदि उनको राष्ट्र का शिक्षक पंडित मदन मोहन मालवीय जी को राष्ट्र का शिक्षक कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके ये आज हमने पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पढ़ा था, इन्होंने हमारे देश के लिए जो भी शिक्षा के बारे में योगदान दिया था उसके बारे में आज अध्याय 16 हमारे गौरव पूर्ण हुआ। अध्याय की इसके प्रश्नोत्तर हम PDF द्वारा बच्चों आपको भेज रहे हैं। धन्यवाद।